हरियाणा में एचईआरसी के अध्यक्ष पद की ट्रेन को लेकर बैठक हुई। बैठक में रिटायर्ड जस्टिस एचएस भल्ला और मुख्य सचिव संजीव कौशल समेत तमाम सदस्य मौजूद रहे। इस पद के लिए करीबन 30 नाम आए हैं। मुख्य सचिव ने बताया कि इसकी रिपोर्ट बनाकर सरकार को दी जाएगी, सरकार अध्यक्ष पद पर फैसला करेगी। तो वहीं पराली के बढ़ते मामलों पर कहा कि सरकार ने किसानों को पराली न जलाने के लिए कहा है, इसके लिए 600 करोड़ रुपए का अनुदान दिया है। धान की पराली जलाने से प्रदूषण होता है, इसलिए धान की जगह अन्य फसल लगाने के लिए भी किसानों को प्रेरित किया जा रहा है। कमेटी सरकार ने बनाई है, एचईआरसी के चेयरमैन की पोस्ट वेकेंट है, उसके बारे में कुछ रिकमेंडेशंस देने के लिए एक कमेटी बनाई थी, उसकी बैठक थी। जिन्होंने अप्लाई किया था वो मेरे ख्याल में 30 से ज्यादा थे भी ना। तो अब ये कैसे डिसाइड होगा सर, आगे क्या आप मतलब अब कौन सी दोबारा आपको मैं बैठक? नहीं नहीं नहीं, दोबारा की जरूरत नहीं होगी। सरकार को नाम जाएंगे और उसमें से सरकार डिसाइड कर लेगी। जो ये हर साल एक पोल्यूशन का काफ़ी ज़्यादा होता है, एयर क्वालिटी इंडिसेस डाउन जाते हैं, मतलब बहुत स्थिति खराब होती है, वो सिर्फ दिल्ली में नहीं होती, नेशनल कैपिटल रीजन में भी होती है, हमारे भी कई ज़िले इससे प्रभावित होते हैं। उसमें कुछ हद तक ट्रैफिक, व्हीकलर ट्रैफिक बहुत योगदान देता है, उसके अलावा बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन डिमोलिशन वो सारा कुछ भी असर करता है। उसमें एक योगदान जो कहा जाता है सालाना देखो तो 6-6.5-7% वो कंट्रीब्यूशन ये स्टबल बर्निंग का भी होता है। इस सीजन में क्योंकि स्टबल बर्निंग होती है तो वो परसेंटेज बढ़ जाती है, तो है असर है। हम सदा कोशिश करते हैं कि स्टबल बर्निंग किसान ना करे। हरियाणा सरकार ने बहुत प्रोग्रेसिव नीतियां बनाई हैं। आपको मैंने पहले भी बताया था कैबिनेट सेक्रेटरी साहब की मीटिंग में, 600 करोड़ से ज़्यादा रुपए की हमने सब्सिडी दी है किसानों को कि वो स्टबल बर्निंग ना करें, इन सीटू उसका करें एग्जामिनेशन और एक्सीटू भी उसकी प्रोसेसिंग करें। उसके लिए हमने बेलर्स भी दिए हैं, सुपर सीडर भी दिए हैं, हर तरह से मदद की है। हर एकड़ पर हम 1,000 रुपये की सब्सिडी देते हैं, वो चाहे इन सीटू प्रोसेसिंग हो चाहे वो एक्सीटू हो, वो दे रहे हैं।